नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मोदी सरकार की लूट से परेशान भाजपा को समर्थन दे रहे सांसद ने कुर्सी जाने के डर से कर दी बगावत, किया टोलबंदी आंदोलन। दोस्तों, पिछले 9 सालों से देश की जनता को लूट कर बड़े उद्योगपतियों की जेब भरने वाली मोदी सरकार के अब दिन बढ़ते नजर आने लगे हैं। अब तक विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही थी, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में खुद की कुर्सी पर खतरा मंडराता देख भाजपा को समर्थन देने वाले सांसद भी जनता के मुद्दों पर आंदोलन करने लगे हैं। ऐसा ही एक आंदोलन शुक्रवार 20 अक्टूबर को विरार के हाईवे पर खानीवाड़े में बने टोल नाके पर पालघर से सांसद राजेंद्र गावित ने किया। आपको बता दें कि पालघर जिले के सांसद राजेंद्र गावित के नेतृत्व में खानीवाड़े के पास टोलबंदी आंदोलन किया गया, जिसमें कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद थे। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे करीब राजेंद्र गावित के नेतृत्व में सैकड़ों लोग मुंबई अहमदाबाद हाईवे के खानीवाड़े टोल नाका पर पहुंच जमा हुए, जिसके बाद गावित ने टोल वसूल रहे एनएचआई के कर्मचारियों को टोल लेने से मना किया। गावित ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे के तलासरी से लेकर वर्सोवा ब्रिज तक गड्ढों की वजह से हर रोज हादसे हो रहे हैं। सांसद गावित ने यह भी दावा किया कि गड्ढों की वजह से 4 महीने में 50 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। गावित ने कहा कि जब तक गड्ढों को सही नहीं किया जाएगा, तब तक टोल वसूली नहीं करने दी जाएगी। इस दौरान वहां एनएचआई के अधिकारी भी मौजूद थे। आंदोलन के बाद सभी वाहनों को बिना टोल लिए छोड़ा जा रहा था। हालांकि आंदोलन के खत्म होने के बाद टोल वसूली फिर से शुरू हुई या नहीं हुई, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस आंदोलन में राजेंद्र गावित के साथ कांग्रेस के विजय पाटिल, कुंदन संखे, शिवसेना के सुदेश चौधरी, नीलेश तेंदुलकर, आगरी सेना के कैलाश पाटिल आदि कई नेतागण मौजूद थे। इस तरह सांसद महोदय आंदोलन करके जनता को यह जताने की कोशिश में लगे कि वह जनता के मुद्दों पर जनता के साथ खड़े हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 9 साल की मोदी सरकार की लूट से तंग आ चुकी जनता कहीं सांसद महोदय की कुर्सी ना छीन ले, इस डर से सांसद महोदय ने आने वाले चुनाव में जनता के साथ खड़े है ऐसा जताकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि सांसद राजेंद्र गावित पहली बार सन 2018 में पालघर की सीट पर, तब के सांसद दिवंगत श्रीनिवास वंगा की मौत पे खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में सांसद चुनकर आए थे। गौर करने वाली बात यह कि तब सांसद महोदय ने कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश किया था। फिर 2019 में लोकसभा के आम चुनाव के समय सांसद महोदय ने भाजपा से तब की एकमात्र शिवसेना में पलटी मारी थी और फिर सांसद चुने गए। फिर पिछले साल वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पाला बदलने के बाद माननीय सांसद महोदय ने भी पाला बदल लिया और शिवसेना एकनाथ गुट का हिस्सा बने। ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर 6 साल से अधिक हो चुके हैं सांसद के पद पर बने हुए हैं, वो भी या तो सीधे सत्ताधारी पार्टी से या सहयोगी पार्टी से। उसके बावजूद अपनी संसदीय क्षेत्र के रोडों में सुधार नहीं करवा पाए हैं और अब जब केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा जाहिर होने लगा है, तो ऐसे में आंदोलन के बहाने जनता की सहानुभूति लेने पहुंच गए। खैर, हमारे देश में कोई भी काम हो या ना हो, लेकिन उस काम पर राजनीति जरूर होती है और माननीय सांसद महोदय भी बेहतरीन राजनीति का परिचय दे रहे हैं। वीडियो में आगे सुनिए टोलबंदी करवाने के समय क्या कुछ कहा सांसद महोदय ने। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमें आर्थिक रूप से मदद करने स्क्रीन पर दिखाई देने वाले गूगल पे बार कोड को स्कैन कीजिए और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। मुंबई अहमदाबाद हाईवे वरती गेल्या 6 ते 7 महिन्यापासून या ठिकाणी पावसाच्या अगोदर आणि पावसानंतर सुद्धा या ठिकाणी जो जो 4-4, 5-5 तास या ठिकाणी वाहतुकीच्या खेळखोळंबामुळे या ठिकाणी लोकांना अत्यंत त्या ठिकाणी त्रास होत होता। सुरतवरणं विरार, आपला विरारला पोचायला 3-3.5 तास लागतात, परंतु वसई विरारवरनं घोडबंदरला पोचायला जवळजवळ 4 ते 5 तास लागतात। म्हणून या ठिकाणी गरोदर माता असेल, त्याचप्रमाणे एखादा हार्ट पेशंट असेल, एखादा सिरियस पेशंट असेल, तर दुर्दैवाने 4-4, 5-5 त्या ठिकाणी त्याला उपचाराविना थांबावं लागत असेल, तर त्याचा मृत्यू हा अटळ आहे। आणि अशा पद्धतीने या हायवेवरती विरारपासून तर घोडबंदरपर्यंत या 6 महिन्यामध्ये 55 लोक त्या ठिकाणी मेलीत असतात। आणि खरं म्हणजे हा हायवे लोकांच्या सुरक्षितेसाठी आहे की लोकांच्या मृत्यूच्या सापयासाठी, हा खरा मोठा प्रश्न आहे। आणि म्हणून या संदर्भामध्ये दोन्ही महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि मीरा भाईंदरचे सी पी
आणि ठालग्याचे आपलं SP त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी आणि नॅशनल हायवेचे वरिष्ठ अधिकारी यांबरोबर वेळोवेळी बैठका घेतल्या. दुर्दैवाने त्या ठिकाणी 6 ते 7 बैठका झाल्या. वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेक बैठका झाल्या, जवळजवळ 13 ते 14 बैठका होऊन त्याच्यातून फारसं निष्पन्न निघालं नाही आणि म्हणून नाईलाजास्तव या ठिकाणी हे आंदोलन करावं लागलं. सर, या पुढची मागणी काय असेल आपल्याला? कारण अनेक अपघात होत आहेत, खड्डे पुजेपर्यंत हे आंदोलन असेल का आज काही प्राथमिक चर्चा करून बंद करणार? या ठिकाणी त्यांनी दूरत त्यांनी तात्पुरते खड्डे पुजायला सुरुवात केलेली, परंतु खड्डे पुजून हा काय प्रश्न सुटणारा नाही आणि म्हणून या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने पूर्णपणे हा रस्ता दुरुस्त झाला पाहिजे असं, आणि त्या संदर्भामध्ये नॅशनल हायवे हायवेच्या अधिकाऱ्यांबरोबर या ठिकाणी आम्ही या आंदोलनाच्या दरम्यान त्या ठिकाणी बैठक घेऊन त्याच्यातून सकारात्मक या ठिकाणी जर मार्ग निघत असेल तर निश्चितच आम्ही त्या बाबतीमध्ये विचार करू. परंतु जर त्यांनी सकारात्मक अशा पद्धतीने प्रतिसाद दिला नाही तर हे आंदोलन या ठिकाणी आम्ही कंटिन्यू करण्याचा त्या ठिकाणी आमचा प्रयत्न. यानंतर जर खड्ड्यांमुळे अपघात झाले तर ठेकेदारांवरती गुन्हे दाखल करणार का? बरं का, या संदर्भामध्ये 2 ठेकेदारांकडे ठेकेदारांवरती या ठिकाणी गुन्हा दाखल झालेला आहे. पोलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन पण केलेलं आहे त्याच्यावर. त्या संदर्भामध्ये त्यांना केंद्रीय मंत्री आदरणीय गडकरी साहेबांनी मलाही त्या ठिकाणी आश्वासित केलं होतं की ज्या रस्त्याच्या बाबतीमध्ये निकृष्टतेच्या बाबतीमध्ये कुठल्याही प्रकारे कॉम्प्रोमाइज केला जाणार नाही आणि म्हणून आणि जे त्याला त्या ठिकाणी जबाबदार असतील जे ठेकेदार त्यांच्यावरती FIR दाखल करून त्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकू अशा प्रकारचं या ठिकाणी केंद्रीय मंत्र्यांनी त्या ठिकाणी आश्वासित केलं होतं आणि NHAI अधिकाऱ्यांनीसुद्धा त्या ठिकाणी ती प्रोसेस त्या ठिकाणी चालू केली आहे. चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.